ये आता है, उसकी ये व्याख्या है सालिग्राम निघंट भाग 7, आप उठा करके देखें, जहां नद और नदी दोनों एक होते हैं उसे नादेह कहते हैं। तो अब प्रारूप आता है, वही असली अयोध्या होती है और वही वैराट स्थली में मथुरा अयोध्या हरिद्वार ऋषिकेश पुष्कर मक्का मदीना ठोर ठोर रचना करी प्रकट की और संकेत, क्योंकि अवतार जब आता है तो वैराट सेंटर से आता है सारे संसार के स्थल संकेत के लिए। जब यहाँ वो पुरुष विशेष आएगा वो हमें नीचे की चीजों में नहीं उलझाएगा, वो क्या समझाएगा, ए लोगो दुनिया कहाँ जा रही है, होश करो, हमको आपको होश नहीं है, बेहोशी में पड़े हुए, जरा हम विचार करके देख लें अभी तक हमने आपने क्या साधना की है और हमारे भाई लोग क्या साधना कर रहे हैं और इसका आत्मज्ञान से क्या संबंध है, तब हम पीछे की बात पर विचार करेंगे। आज हमारे बहुत से बहन भाई आपके तुलसी पीपल केला बड़ आदि को पानी देते हैं, देना भी चाहिए, इससे जड़ी रूखड़ी औषधि फल आदि मिलेंगे जिसका लाभ हमारे शरीर के लिए है, लेकिन आत्मा परमात्मा का इसमें कोई ज्ञान नहीं। जो अपनी पूरी जिंदगी इस क्रिया में निकाल रहे हैं दैहिक लाभ के लिए तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन आत्मज्ञान के लिए कुछ नहीं। हमारे बहुत से बहन भाई नदी आदि स्नान करने जाते हैं, जाना भी चाहिए, क्योंकि औषधियों से पानी टकरा के आ रहा है उसमें शुद्धता है, लेकिन उसमें स्नान करने से तन का मैल छूटेगा, तन के लिए लाभदायक है लेकिन मन और आत्मा के विकार दूर नहीं होना, आत्म साक्षात्कार नहीं होना है, ईश्वर का दर्शन नहीं होना है। आज हमारे बहुत से बहन भाई सत्संग सुनने जाते हैं, अरे जब तक दुनिया संसार शब्द से हमारा संग नहीं होगा तब तक वो सत्संग कहाँ है, वो तो समाज सुधार की बात से जाते हैं, चेतावनी से जाते हैं। हमारे बहुत से बहन भाई किताब आप पढ़ने लगे रहते हैं, ठीक है हमारे महान पुरुषों के ये अनुभव हैं, इनसे हमें एक रास्ता मिलेगा, लेकिन पूरी जिंदगी लड्डू बनाने की बदी पढ़ते रहो और सुनाते रहो, न पेट भरेगा न लड्डू बनेंगे। किताब पढ़ो, सामान लाओ, युक्ति से क्रिया करो, आज खराब बनेंगे एक दिन अच्छे बनेंगे, हम भी खाएंगे और भी खाएंगे, किताब पढ़ने का इतना ही लाभ है। तब वो बुल्ले शाह ने कहा है किताबें फेंक पानी में बजूदे खाक आलम में, करे किताबों को अलग हटा, अगर उस ज्ञान को पाना है उस रास्ते पे चलो जो इसकी क्रिया का संदेश देता है। गीता क्या कहती है, तद्विद्धि प्रणपाते न परप्रश्ने सेवया उपदेशंतम ते ज्ञानम ज्ञानस्य तत्वदर्शने, किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाओ और विनम्रता के भाव से उसे तत्व ज्ञान अर्जित करो, गीता से थोड़े तत्व ज्ञान मिलेगा। अब सवाल आपका आता है, कोई भी धर्म ग्रंथ के पढ़ने से हमें वो चीज की उपलब्धि नहीं होगी, हमें उस कैटेगरी का महान पुरुष देखना पड़ेगा और तब हमें वो लाभ होगा। अब सवाल आता है, हमारे बहुत से बहन भाई आज दीपक जलाते हैं तो पूजा में मिट्टी के तेल का दीपक क्यों नहीं जलाते, घी का या चमेली का या सरसों के तेल का जलाते हैं, पूजा में मोमबत्ती भी नहीं जलाई जाती, लेकिन विदेशी तो जलाते हैं, लेकिन भारी भारतीय संस्कृति में लागू नहीं। सवाल आता है, इसलिए हम तेल जलाते हैं सरसों का तेल या घी या चमेली का तेल, इसके जलाने से एक ऐसी गैस बनती है जो विषाक्त कीटाणु को नष्ट करती है, जिस हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, लेकिन आत्मा परमात्मा के नाम पर कुछ नहीं है, वातावरण शुद्धता के लिए उचित है। तब रामचरितमानस में कहा है कि परम प्रकाश रूप दिन राती, अरे नहीं कछु चाहिए दिया घटवाती, वो परम प्रकाश हमारे आपके अंदर में है, उसके लिए दिए की घी की और बत्ती की कोई जरूरत नहीं। हमारी रामचरितमानस कहती है कि इनकी कोई जरूरत नहीं है और हम वो ही करते चले जा रहे हैं और हम कह रहे हैं हम सनातन धर्मी के मठाधीश हैं आचार्य, ठीक है ये एक साधन है साध्य नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे अंधकार का नाश होगा, प्रकाश होगा, वातावरण शुद्ध होगा, लेकिन आत्मग्रंथि हल तो नहीं होगी। आत्म अनुभव सोच प्रकाशा तब भवमूल भेद भ्रम नाशा, भेद भ्रम का नाश कब होगा, जब हमारा आत्म अनुभव होगा। अब क्या है, कुछ किताबें पढ़ ली, कुछ भाइयों से सुन लिया, कुछ अपनी बात मिला दी, बोलने लगे जी सत्संग हो गया, ये सत्संग थोड़े ही है, ये वंचक भगत कहे गए रामायण में,
वंचक भगत जो होए राम के और कंचन किंकन को काम के। टूटा हुआ कांच आपके कोई कीमत का है? ऐसे ही वंचक भगत कोई कीमत का नहीं होता। तो हमारा विषय इस बात का आता है कि आज बहुत से बहन भाई श्वास खींचते प्राणायाम और अपने आप में विद्वान बनने वाले आर समाधि धारण करते हैं ये क्रिया। तो अब आप समझिए इसमें आत्मज्ञान का है भाई? पांच भी एक दो नहीं है, दस है प्राण है, पांच प्रधान और पांच गौर दस प्राण है। ये तो प्राणों का व्यायाम है। इसमें सांस आपका अंदर खींचना, आभ्यंतर वायुवृत्ति बाहर निकालना, स्तंभवृत्ति जांघिका सांस को रोक देना, बाह्य आभ्यंतर अपेक्षी यानी उल्टी क्रिया करना कि सांस अब ली नहीं जा रही लेकिन जबरदस्ती से ले रहे, सांस छोड़ी अब नहीं छोड़ी जा रही लेकिन जबरदस्ती से छोड़ रहे, ये हो गई बाह्य आभ्यंतर अपेक्षी उल्टी क्रिया। ये चार प्रकार की प्रक्रिया है, आभ्यंतर वायुवृत्ति स्तंभवृत्ति बाह्य आभ्यंतर अपेक्षी। तो इससे करने से प्राणों को बल मिलेगा, जैसे हाथों की दंड पैरों की दंड ऐसे ये प्राणों का व्यायाम है। प्राणायाम का मतलब यही है, प्राणों का आयाम प्राणों का व्यायाम। लेकिन आत्म तत्व कहां है इसमें? आत्म तत्व तो प्राणों से भिन्न है। अब सवाल आता है, कुछ लोग ये क्रिया करते हैं कि अग्नि जलाते पंचाग्नि, बोले जी इससे हमारा मोक्ष होगा। अरे इन पागलों को होश है, बैठ गए जगह चारों तरफ अग्नि जला ली, पांचवी अग्नि सूर्य की, मानी इससे क्या कर रहे हो? मानी इसको तन को तपा रहे जी, हम तप रहे। और मूर्ख लोगों की भीड़ देखोगे जी, फिर क्या है माल मलिदा पहुंचने लग जाता है चाहे तुम। अरे ये तो एक बांबी है, आपका मन रूपी सर्प है, एक बांबी के अंदर घुस गया। तुम बांबी पे रात दिन लठ चलाओ, सर्प को कोई नुकसान पहुंचेगा? तो सर्प रूपी इस शरीर रूपी बामी के अंदर अंदर प्रविष्ट है। अब सवाल आता है, इसे रात दिन तपाओ क्या आत्मज्ञान होगा, क्या ब्रह्मज्ञान होगा? कोई सवाल ही नहीं। और आज को बहुत से बहन भाई जल में खड़े हो जाते हैं, जल की क्रिया करना ठीक है, हम कोई भी ऐसी क्रिया करके हम अपने तन को उस क्रिया में ढाल सकते हैं कि अग्नि हो तो हमको परेशानी नहीं होगी, जल हो वर्षा हो रही है भीषण हमें दिक्कत नहीं होगी, ऐसे में हम अपने को समयोजित कर सकते हैं। लेकिन सवाल आता है आत्मा परमात्मा के नाम पर उसमें कुछ भी नहीं, सिद्धियों की प्राप्ति है, इसको सिद्धि प्राप्ति नहीं कहते हैं, वो मैं विषय अलग बताऊंगा। तो अब सवाल आता है, ये है हठयोग, ऐसे लोगों में कुछ नहीं होता, अगर विश्व में किसी के पास हो तो वो मेरे से बात कर ले, कुछ नहीं होता किसी के भी पास में। अब सवाल हमारा इस बात का आता है कि आत्मज्ञान के रास्ते के लिए सिवाय सार शब्द के दसवें दरवाजे में प्रवेश होने का कोई रास्ता ही नहीं है, यहां से सीधा एक ही रास्ता है। अब जितने भी हमारे महापुरुष से अंतर्मुख गए हैं उन्होंने सबने अनंत के बारे में बोला है, सार शब्द के बारे में सारा किया है, और आगे कहा है कि सार शब्द को वो पुरुष विशेष आएगा, उसके अंदर प्रकाया प्रवेश भगवान की शक्ति आएगी, वो इस ज्ञान को देगा। तब कबीर साहब ने कहा सार सार को गहे रहो और थोता दे उड़ा, ये सारी चीजें एक थोती है। हाँ लाभ तो कुछ है, तन लाभ जैसे 84 आसन है यौगिक क्रिया के, इससे आप अपने तन को स्वस्थ रख सकते हो, कोई भी रोग विकार को दूर कर सकते हो, लेकिन आत्मज्ञान ईश्वरी प्राप्ति का साधन थोड़ी है। तो अब रूपरेखा हमारी आती है कि जब आज के मस्ताने की ठोकर लगेगी और हम अंदर में दसवें दरवाजे में जाएंगे तो अंदर में प्रकाश होगा। अब उस प्रकाश को देखो कितना सस्ता लोग कर लेते हैं, उंगली लेके आंखों में लगा के भींचते चले जाते हैं, इसमें तिलमिला से जो मस्ते हैं उल्टे सीधे चंदा सूरत से दिखते हैं, वाणी की हो गया ज्ञान का प्रकाश है, ये ज्ञान का प्रकाश नहीं, ये पिंडी प्रकाश है। बहुत से संप्रदाय इसी क्रिया में खड़े हुए, वो प्रकाश तो स्वतः सिद्ध है।
अब भूमिका हमारी आती है, आंख कान मुख बंद कराओ और अनहद जीना शब्द सुनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा है अगर उस ज्ञान को पाना है तो मुंह बंद कर दो। अरे बोले तो जब जब बोलने की सुध हो, पहले उस चीज को खुद तो पारो, जब बोलो फिर तो कोई बात नहीं। ये दिया है लखो तको तब बको, यानी पहले देखो लखो और तको यानी उसका जो है निरीक्षण करो, कहीं ऐसा नहीं हो कि साइकिल का ट्यूब पड़ा है और हम सांप समझ लें। तो दिया लखो तको और जब बको, फिर तुम्हें कोई झूठा नहीं कर सकता, न तो लखा है न तका है और वैसे ही बक रहा है। कैसे? कि जो कुकर कछु देख के भूखे, जो कुकर कछु देख के भूखे तो भूखे रे भाई। अगर कोई कुत्ता देख करके भूख रहा है तो उसका देखना और भूखना उचित है। अरे भूखत देख अगर जो भूखे सो अहमक कहलाई, वाचक ज्ञान ननी कर साधो, वाचक ज्ञान ननी कर। जो कुकर कछ देख के भूखे तो उसने कुछ पाया, भूखत देख अगर जो भूखे सो अहमक कहलाया। आज अगर ये पूछ लिया जाए तुम हकीकत में बताओ ब्रह्म देखा है, अगर नेक नियत के लक्षण है तो जो कह देंगे जी हमने तो नहीं देखा है। पर हमारे गुरु महाराज जी कहते, अब गुरु महाराज जी के पास पहुंचे, महाराज जी ब्रह्म देखा है, यार हमने तो नहीं। अब पर हमारे महाराज जी कहते, अब महाराज जी की महाराज जी के पास गए, यानी ब्रह्म देखा है, बाई गई देखा तो है पर ऐसे ही थोड़े मिल जाएगा। साधना पद्धति से और क्रिया से उसको गुमराह कर रहे हैं। बानी महाराज तुम कहो सोई करने को तैयार हूं। जैसे मुझसे लोगों ने बड़ी बड़ी कठिन साधनाएं बताई, मेरी जब 3 वर्ष की आयु थी तो मैं महात्माओं के ऐसे हाथ पकड़ लिया करता था, तूने भगवान देखे? अगर देखे तो मुझे दिखा दे। तो कुछ तो कहते कि नहीं देखे, कुछ कहते ऐसे ही थोड़े दिख जाएंगे, देखे हैं, बड़ी मेहनत की है। जो तुम मेहनत हो मुझे बताओ, मैंने इतनी कठिन साधना की है, विश्व का कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं किया है, लेकिन कुछ नहीं निकला। तो आखिरकार बात आपकी ये है कि महाराज जी के महाराज जी की तरफ चले, मानी फिर तो सा शरीर छोड़ गए। अब मैंने भैया देखा किसने, ये हम बकी सुनी बातों को बकते रहते हैं, लेकिन ब्रह्म का साक्षात्कार कोई बातों का खेल नहीं है, और जिसने किया है वो दूसरे को करा सकता है। आज संसार को इस बात की जरूरत है, अगर किसी ने ब्रह्म का दर्शन करा है तो कराओ, बस मामला साफ है। ऐसा महापुरुष पूरी सृष्टि में एक ही होता है। अब क्या है कि भगवान कभी बात को अपने ऊपर नहीं लेते, जब आदि ब्रह्मा आते हैं तो जब अनेक ब्रह्मा बना देते हैं, रचना तो जब ही होगी तो एक दूसरे से ज्ञान शुरू कर देते हैं। जब ईश्वरी ज्ञान होता है तो एक दूसरे से होता है, और साधु का ज्ञान होता है तो गुप्त होता है, किसी को बताना मत, क्योंकि चोरी का माल है। साधु का ज्ञान गुप्त का होगा, अपने साथी को भी नहीं बता सकते, पत्नी अपने पति को नहीं बता सकती, पति पत्नी को नहीं बता सकता, बाप बेटे को नहीं बता सकता, क्यों? उनका काम ही गुप्त का है। जहां गुप्त का साधन है वहां कुछ नहीं होगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सबसे मैंने पहले यह ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इच्छा को दिया। अरे जिसकी इच्छा उसको एक दूसरे से चलते चले जाओ, ज्योत ज्योत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब क्या है, आदि ब्रह्मा ने साधन क्रिया अपनाई और उसने सबको आदेश किया देते जाओ भैया। अब किया तो बहुत से ब्रह्म बन गए, जैसे हमारे यहां से भेद लेके एक दूसरे को भेद का आदेश है। बहुत से लोगों ने आश्रम जारी कर दिए हैं, बड़े बड़े ठाट है, बड़े बड़े ठाट बन रहे हैं, बहुत बड़े आश्रम जारी कर दिए हैं, यहाँ आते नहीं है और फोटो जरूर लेके लगा रखा है। मान के भैया महाराज जी की कृपा है, कोई बात आ रहे ज्यादा तो नहीं, तो हम अपने आप करा रहे ज्यादा तो नहीं, कहाँ से मिला जी क्या हमारी माँ से मिला।
तो आश्रम चला रखे, यहाँ नहीं आते जाते। तो अब क्या हुआ, ये वो मिसाइल है कि जब आपके जन्मदिवस में मोमबत्ती लगाते हैं बड़ी, वो आदि पुरुष ब्रह्मा है, वही आदि रुद्र है, उससे छोटी छोटी मोमबत्ती जलाई जाती है। अब काल ने मारी फूंक, सब छोटी मोमबत्ती बुझ जाती है। ऐसे ही जो आज ज्ञान लेकर के और अपने को स्वयं ब्रह्म कहने लगे हैं, जो भगवान हम ही है, सारी बात को छिपाने लगे हैं, काल एक फूंक मारेगा, और मारता था मजा रहा है, काल एक फूंक मारता है, खत्म। अब सवाल यहां आता है, वो तो कोई कराने वाली शक्ति कराती है, हम तुम तो एक माध्यम है। तो अब रूपरेखा यहां आती है कि ऐसे जो बरसाती कीड़े के समान पैदा हो जाते हैं अनुभव कराने वाले एक दूसरे से, और आप सत्ता रूप को छिपा लेते हैं, वो इसी तरीके से नष्ट हो जाते हैं जैसे बरसाती कीड़े मौसम से नष्ट हो जाते हैं। तो भूमिका आपकी इस जगह पर आती है कि हमको आपको ये देखना है, क्या वो शब्द हमें मिला है, क्या वो प्रकाश हमें मिला है, क्या वो दर्शन हमें मिला है। स्वामी जी महाराज जी के बारे में कहा है कि घट भीतर होई करारी, शब्दारस करे आहारी, दो में से एक सुधारी, जो दोनों करो हो दयारी। कह रहे घट के भीतर का ज्ञान, शब्द और दृष्टि, वो दया कर दे तो दोनों एक साथ दे दे, नहीं तो एक का ज्ञान जरूर दे दे, शब्द या दृष्टि एक का ज्ञान जरूर हो तो हम आगे चल जाएंगे, और अगर दोनों की हो जाए तो वो प्रभु की बहुत ही दया है।